नमस्कार, बिजनेस जमीनेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। मुंबई आधारित सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख मैकेनिकल सील एवं संबंधित उत्पाद निर्माण करने वाली कंपनी है। देश में मैकेनिकल सील का सालाना बाजार करीब 2000 करोड़ रुपए का और विदेशों में 20,000 करोड़ रुपए का है। इस सेगमेंट में कार्यरत प्रमुख कंपनी सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड द्वारा BSE SME प्लेटफॉर्म पर प्लांट एवं मशीनरी खरीदने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए IPO लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस रेमिडेस की टीम ने कंपनी प्रवर्तक उमर AK बलवा से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन वर्ष 2009 में हुआ था। कंपनी द्वारा विश्व के 45 देशों में निर्यात किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी की भारत सहित 45 से अधिक देशों में उपस्थिति है। सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड की निर्माण इकाई शांति विद्या नगरी रोड मीरा रोड ई थाने में स्थित है। आपको बता दूं कि 3,855.86 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। कंपनी अपने परिचालक का विस्तार करने के लिए एक और विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। दूसरी इकाई थाने के खंडीपाड़ा गांव वसई पूर्व में स्थित होगी। बिजनेस रेमिडेस के दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी होगा कि कंपनी का IPO BSE SME प्लेटफॉर्म पर 17 फरवरी 2023 को खुलकर 21 फरवरी 2023 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपये फेस वैल्यू के 24,99,600 शेयर बुक बिल्ट इशू IPO प्रणाली से 220 से 225 रुपये प्रति शेयर के भाव से जारी कर 56.24 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। फ्रेश इश्यू के तहत 18,50,000 शेयरों की बिक्री की जाएगी। आपको बता दूं कि जबकि कंपनी निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 6,49,600 शेयरों की बिक्री की जा रही है। IPO 40% शेयर QIB कैटेगरी निवेशकों और 18% NII कैटेगरी के निवेशकों को और 42% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। IPO के मार्केट मेकर सनफ्लावर ब्रोकिंग और बुक रनिंग लीड मैनेजर ISK एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रवर्तकों और उनके अनुभव के बारे में। कंपनी प्रवर्तक 55 वर्षीय उमर AK बलवा कंपनी के संस्थापक सदस्य है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की है। उन्हें बर्गमैन बलवा ग्रुप और सिलमैटिक में विभिन्न भूमिकाएं संभालने का 33 वर्षों का अनुभव है। चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय प्रदर्शन पर। वित्त वर्ष 2022 में 42.76 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 8.41 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2023 की पहले छमाई में कंपनी ने 25.82 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 5.43 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के सकारात्मक तथ्यों को देखते हुए कंपनी के IPO में आवेदन किया जा सकता है। तो यह थी मुंबई आधारित सिलमैटिक इंडिया लिमिटेड के IPO के बारे में जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और IPO से जुड़े हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमिडेस की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।